ग्वालियर की मुदार थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। खास तौर पर पकड़े गए चोर स्प्लेंडर बाइक की चोरी करते थे और जब बेचने में परेशानी आती थी तो वो इन बाइकों को गिरवी रख देते थे। दोनों चोरों में से एक ने पूर्व में रिटायर्ड दरोगा की हत्या की थी। फिलहाल दोनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में बैठे हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पुलिस को लगातार शहर वाहन चोरी की घटना की शिकायत मिल रही थी। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया था। मुखबिरों से मिली सूचना पर पुलिस ने शहर के मुरार थाना इलाके एमएच चौराहे पर घेराबंदी कर दो शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों चोरों ने पुलिस के सामने चोरी पूरी घटना को बता दिया। चोरों ने कहा कि वो सिर्फ बाइक ही चुराते, चोरी करने के बाद बेच देते। जब उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिलता तो वो 7 से 8 हजार रुपए में चोरी की बाइकों को गिरवी रख देते थे। ये ग्वालियर में काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी, FIR रजिस्टर्ड हो रही थी कि लगातार वाहन चोरी हो रहे हैं। तो इसमें हमने एक टास्क फोर्स, मतलब एक स्पेशल टीम हमने गठित की, मैडम जो हमारी नई IPS ऑफिसर हैं अमृता मैडम के नेतृत्व में, और PI मुराद और उनकी टीम, सभी ने बहुत ही इसमें एक अच्छा काम किया है। दो लड़के पकड़े गए हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, और एक जो इसमें वाहन चोर है वो पहले एक सब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के मर्डर में भी आरोपी रहा है और वहाँ से उसने एक राइफल भी चुराई थी और अभी बेल पे था। लगातार ये वाहन चोरी की घटनाएं कर रहे थे और अभी इनके पास से मुरार थाना क्षेत्र में और ग्वालियर के अन्य थाना क्षेत्रों में जो रजिस्टर्ड FIR उनमें 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं और अभी इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इनका PR लिया जाएगा और भी मोटरसाइकिल इनसे बरामद होने की संभावना है। ये बिल्कुल इसीलिए हम PR ले रहे हैं कि इनसे और डिटेल में पूछताछ हो और मोटरसाइकिल मिले और इनकी जो गैंग है उसका और ज़्यादा डिटेल मालूम चले। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, बाइक को चुराने के तुरंत बाद रूरल एरिया में ये लोग जाते हैं और जो मोटरसाइकिल का स्टिक जो कंपनी का लोगो है उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं और जो नंबर प्लेट है उसको चेंज कर देते हैं ताकि जो मोटरसाइकिल का हुलिया है वही डिफरेंट बिल्कुल बदल जाए। तो पुलिस और जो मालिक है CCTV फुटेज से या फिर किसी और तरीके से उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए और इनको पकड़ ना पाए। तो अपराध, मतलब शातिर चोर हैं, पहले भी लगातार चोरी करते आए हैं, एक तो मर्डर के आरोप में बेल पे है, माननीय न्यायालय के सामने भी हम उसके बेल कैंसिलेशन के लिए एक आवेदन पत्र दे रहे हैं। तो ये पूरा मैडम विदिता और TI मुरार इनके नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई हुई है। अभी तक ये देहात में खपाते हैं सर, कुछ के पार्ट्स को निकाल लेते हैं, कुछ को डायरेक्ट बेच देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसको मतलब मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी आइडेंटिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि गाड़ी पहचानने में ना आए। तो ये अच्छी कार्रवाई हुई है, और भी गाड़ी मिलने की संभावना है और अगर इनके कोई और भी साथी हैं तो उनके PR पर पूछताछ करके उनको भी थोड़ा ठंडा लगेगा। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार पकड़े गए आरोपी में से एक राहुल यादव के खिलाफ मुरार में चोरी के 3 तथा जुआ खेलने का एक केस दर्ज है, तो वहीं चोरी के दूसरे आरोपी मयाराम यादव के खिलाफ बहोड़ापुर इलाके में 2 साल पहले हुई रिटायर्ड उप निरीक्षक की हत्या में भी शामिल रहा। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों ने पुलिस गिरफ्त में आने से बाइक चोरी की वारदातों में कमी जरूर आई है।